काफ़ी ऑनर्ड बिकॉज लाइक नॉट जस्ट माई फर्स्ट बट जिसके जिनके भी पहले हुए यहाँ पे पॉडकास्ट वो सब बहुत एक्सपीरियंसड है, उन्होंने बहुत सालों से ट्रेनिंग किया है एंड वो लोग लाइक मास्टर्स है ये चीज़ में. तो उनके एक लाइक मतलब उनके लेवल पे नहीं बोल सकता बट समवेयर क्लोज टू देम आना मेरे को मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. एंड लाइक डांसिंग का कीड़ा बचपन से ही था, मतलब जब से स्कूल गैदरिंग्स हुआ करते थे या फिर जब से डीआईडी चालू हुआ था तभी राघव को देखिए वगैरह. बट वो टाइम पे ना सिर्फ एक लाइक फैमिली फंक्शंस में डांस करना या फिर स्कूल गैदरिंग में आगे नाचना वो सब का था, लाइक वो लास्ट पॉइंट था, उसके आगे कुछ नहीं था. देन आफ्टर सर्टन पॉइंट जब मैं 11th में था आई गेस तभी मेरा जो स्कूल फ्रेंड है वो मेरे को मालूम था कि डांस करता है, बस इतना होता है कि वो डांस करता है मैं भी डांस करता हूँ तो अगर हम लोग साथ में करेंगे तो कुछ तो हो सकता है ऐसा. ओके तो फिर उसका मैंने एक दिन ऐसे वीडियो देखा एंड देन आई अप्रोच्ड हिम, उसको पूछा कि कर सकते हैं क्या साथ में, तो ही सेड ठीक है आ जा. एंड देन वहाँ पे एक्चुअली फील क्रू फॉर्म नहीं हुआ था तभी, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सर्टन डांसर्स जो एक जगह पे मिलते हैं, जगह नहीं एक्चुअली बस डिपो था वो. तो डांस महाराष्ट्र डांस में जाने से पहले हम लोग को इंटेंशन था नहीं कि हमको रियलिटी शो करना है. हम लोगों ने उसके पहले बहुत सारे ऑडिशंस ट्राई किए थे, लाइक डांस प्लस 3 भी ट्राई किया था बट तभी भी पुणे भी ट्राई किया था और ये भी ट्राई किया था, मुंबई भी ट्राई किया था बट दोनों जगह पे हम लोग मतलब फेल ही हो गए इन शॉर्ट. एंड देन डीएमडी का मतलब हम लोग को लगा था कि हम लोग का कुछ होगा नहीं बट ट्राई तो करके देख ही सकते हैं. तो हम लोग ने वो ऑडिशन मुंबई से नहीं दिया, औरंगाबाद से दिया क्योंकि कॉम्पिटिशन कम रहता है, वो सब सीन पता ही कैसा रहता है. तो फिर औरंगाबाद से दिया तो हम लोग वहाँ सेलेक्ट हो गए. तो हम लोग को लगा चल ये राउंड तो हो गया, अभी आगे जो होगा देख लेंगे. बट तभी हम लोग तो फिर जर्नी वैसा रहा, थोड़ा स्ट्रगल था क्योंकि 5 से 7 जन हो गए थे, थोड़े झगड़े होते थे, मतलब थोड़ा सा डिस्प्यूट्स कॉमन था वो कि हर हफ्ते किसी का झगड़ा होता था शोज में, मतलब जब भी आप ग्रुप में काम करो सब चीज़ें कॉमन है मतलब आर्ग्यूमेंट तो हो ही जाती है क्योंकि फिर वहाँ पे कैसे थे, एक तो 4 दिन रहता था, 5वें दिन एक्टिविंग रहता था, 6वें टेक्निकल और 7वें दिन शूट रहता था. तो 4 दिन में 2 एक्ट्स बिठाने और डे नाइट करना पड़ता था तो किसी की नींद नहीं होती थी तो सब लोग सिर पे चिल्लाते थे क्या हो रहा है आप प्रैक्टिस नहीं हो रहा है ऐसा वैसा. तो वो अलग सीन था बट एट द एंड वो सब ही हम लोग को पास लेके आया. मतलब प्रोसेस है वो भी, एक ग्रुप में हर ग्रुप में ऐसा होता है कि झगड़े होते हैं बट वही मैटर करता है कि तुम लोग झगड़ों को कैसे सॉल्व कर रहे हो और कैसे आगे बढ़ रहे हो. ऐसा मतलब टचवुड बट हम लोग सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट है जो लोग को पूरे सीजन में हर बार प्लस मिला है और डबल प्लस मिला है, लाइक ऐसा और कोई नहीं है जिनको हर एक एपिसोड हर एक एक्ट में प्लस मिले, किसी को 9 मिले किसी को 8 मार्क्स मिले, हम लोग को हर इसमें या तो प्लस या डबल प्लस मिला है. और वो ना मतलब ऐसा कभी हम लोग सोच के कुछ भी नहीं किया, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि आज या इस हफ्ते प्लस के लिए करते हैं. हम लोग का टास्क हम लोग को ये मिलता था प्लीज सर से कि तुम लोग को ये हफ्ते ये मैसेज पास करना है, चाहे वो किन्नर वाला एक्ट हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो फादर के लिए डेडिकेशन एक्ट हो, कुछ भी हो, या फिर आर्मी के लिए हो या फिर ड्रग एडिक्ट्स के लिए हो, जो भी हो मैसेज पास करना है. बाकी प्लस मिले गंदे कुछ भी हो तुम लोग को लोगों तक पहुंचना है, तुम लोग का डांसिंग उसके लिए बना है कि तुम लोग एक मैसेज पास करो डांस. मैं और एक है शुभम करके, हम लोग एमटी से पढ़े, एमटी यानी मैं ट्यूटोरियल से हम लोग पढ़े 9th 10th हम लोग ने वहाँ पे किया है. एमटी बहुत बड़ा ब्रांच है, मतलब एक लाइक 9th 10th के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो. तो हम लोग ने वहाँ से किया है एंड देन हम लोग को उनसे कॉल आया कि उनका एक रहता है एफए करके जो 90% एंड अबव रहते हैं 10th में, उनको वहाँ पे बुलाते हैं. तो हमको तो कभी चांस मिला नहीं, हम लोग 70-60 के परसेंटेज थे तो हम लोग को एज अ स्टूडेंट जाने का मौका नहीं मिला बट हम लोग उसी इसके लिए एज अ गेस्ट परफॉर्मेंस गए थे और हम लोग के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मतलब मेरे लिए और उसके लिए, क्योंकि हम लोग को ऐसा सुनने मिलता था कि यार रेनेसेंस में रहता है वो, रेनेसेंस बहुत बड़ा होटल है और मतलब सारे जो लोग को 90% मिलते हैं वो ही लोग जा सकते हैं. तो फिर वो थोड़ा ऐसा मतलब पार्सल ले आ रही है सब, मतलब फीस तो सभी लोग भर रहे हैं, सब लोग को ही लेके जाओ ऐसा. और फिर जब वो लोग से खुद से ऐसा अप्रोच किया उन्होंने कि ऐसा ऐसा है, तभी हम लोग ने बिना कुछ सोचे लॉक कर दिया कि करना है कैसा भी उन्हें तो करना है बैक, मतलब वैसा. सेकेंडली जैसे मैंने कहा कि हम लोग को कभी कॉलेज फेस्ट के लिए भी नहीं मिलते थे पैसे, वैसा सीन होता था या फिर जो किसी कॉम्पिटिशन के लिए एंट्री फी वगैरह का बहुत सीन था,
वहाँ से लेकर हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट तक का इवेंट, मतलब हम लोग ने लिटरली माइक्रोसॉफ्ट जैसे एक बिग ब्रांड, हाँ उसको उसके अंदर एक एक्ट किया, तो हम लोग के लिए हैदराबाद में वो लोग का था वहाँ पे। तो डांस प्लस के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ हम लोग के लिए, मतलब सिर्फ रिकग्निशन नहीं मिला बट अदर देन दैट हम लोग को इट्स कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज भी मिली। हाँ, और उसके वजह से फैमिली ने और सपोर्ट किया, जो लोग की नहीं कर रही थी वो लोग की फैमिली ने और सपोर्ट किया वैसा, क्योंकि एट द एंड मतलब वही होता ना कि खड़े रह रहे अपने पैर पे। उसके पहले तक कैसा था, डाइसी था कि होगा नहीं होगा पता नहीं, बट अभी हो गया है तो वो बहुत, तो वो एक्ट हम लोग ने किया था और वो मतलब पूरा एक्ट अलग ही वाइब दे रहा था। मतलब हम लोग को सिर्फ सुनने में, सिर्फ वो जो था डायलॉग जो वॉइस ओवर था वो सिर्फ सुनने में ऐसा था कि मतलब गूज़बम्प्स तो छोड़ ही दो, मतलब खड़े होने का मन करता है ऐसा, रिस्पेक्ट से उनके लिए जो मतलब इतना कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए। वैसा हम लोग ने एक्ट किया 7 मिनट का, इतना कुछ ये नहीं है बट फॉर रियल वो लोग हीरोज हैं। मतलब वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक दिन मनाते हैं कारगिल विजय दिवस एंड देन रेस्ट ऑफ द टाइम हम लोग घर पे रहते हैं, बट वो लोग फुल टाइम बॉर्डर पे रहते हैं। और हम लोग ने, हम लोग को उतना भी करने का मौका मिला हम लोग उसके लिए बहुत खुश थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी सामने थे या नहीं थे, बट हम लोग को वो लोग के लिए करने मिला जो लोग लाइक अपने जान पे खेल के अपने लिए रहते। एक्चुअली ना ये थॉट सभी के दिमाग में आया था हम लोग के कि एज अ ग्रुप तो भी मुश्किल है करना, क्योंकि इवेंट्स आना बंद हुए और अपन मतलब हम लोग का जो फेस वैल्यू था वो ऑटोमेटिक ड्रॉप होने लगा था, मतलब सोशल मीडिया वाइज भी। और क्योंकि ना साथ में रील भी शूट नहीं कर सकते थे, सब दूर रहते हैं तो अगर साथ में मिलना भी हो तो भी 6 महीने के लिए पॉसिबल नहीं था वो। तो वो टाइम ऐसा था कि मतलब वो टाइम पर फिर हम डिसाइड किया कि अब एक काम करते हैं, जो लोग को जो करना है कर लो, इसके बाद अगर अपने को मौका मिलता है फिर से सेटल हो जाएगा सब कुछ, और अगर सब लोग उतने इसमें आ जाएंगे फिर आ जाएंगे, अभी तक वो टाइम आया नहीं है। दोनों भी अपनी जगह, लाइक ऑफलाइन जो है जिसमें सब लोग साथ में रहते हैं पुश करते हैं वो अलग वाइब रहता है, बट एट द एंड ना फिजिबल नहीं होता हर जगह ऑफलाइन रहना। जैसे कि अभी अगर किसी का क्लास हैदराबाद में या फिर दिल्ली में है तो मैं वहाँ पर जा नहीं सकता हर क्लास के लिए, तो ऑनलाइन में वो एक चीज़ है कि हर जगह सीखने मिलता है और हर किसी का सीखने मिलता है। लाइक अगर अभी जैसे आइडल्स प्लेटफॉर्म है जिसपे अभी तनिष्की का है, तो तनिष्की यहाँ पे है, रहता भी नहीं कभी कभी वहाँ पे रहता है लाइक एलए में रहता है, तो लकीली हम लोग को उसका सीखने मिलता है क्योंकि वो उसके जैसे और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लोग यहाँ पे नहीं रहते, बाहर से रहते हैं या फिर जो मुंबई में रहते बट बाहर के लोग सीख नहीं पाते। तो ऑनलाइन डिजिटल फ्यूचर के लिए ना मतलब अब भी स्टार्ट हुआ है, लाइक कोविड के बाद से बिल्डिंग ब्लॉक जैसे आया या फिर बेनिया कैप्सूल आया, जैसे अभी यहाँ पे आइडल्स आया, तो अभी ये शुरुआत है और आगे जाके यही चलने वाला है। क्योंकि एट द एंड मतलब सब लोग को फिजिबल नहीं रहता कि हर जगह जाओ सीखो, अपने घर पे अपने स्पेस पे अपने टाइम पे सीखना बहुत, मतलब जो लोग एक्चुअल में डांस सीखना है वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग को सिर्फ वीडियो चाहिए, जो लोग को सिर्फ क्लास का फुटेज चाहिए, वो लोग के लिए ऑफलाइन तो सही है बट एट द एंड ऑनलाइन एक अलग मतलब स्पेस देते आर्टिस्ट को कि तुम लोग अपने हिसाब से सीखो, जितना स्लो सीखना है उतना। इतना है कि एज को लेके बहुत ये मत हो जाना कि मतलब एज बढ़ रहा है कुछ हो रहा नहीं, वो जो थॉट है ना वो इतना दिल पे मत मतलब लेना, क्योंकि अपने को लगता है कि 21 या 25 या 30 बहुत ज़्यादा एज है बट एक्चुअल में नहीं है, मतलब बहुत टाइम बचता है उसके बाद भी करने के लिए चीज़ें। तो गिव अप, मतलब 2 साल ट्राई किया और नहीं हो रहा है गिव अप कर देते हैं, वो बहुत ही कॉमन हो रहा है आजकल की जनरेशन में कि मतलब कुछ चीज़ कर रहे हैं और फिर जब क्राउड यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे लीन हो रहा है, अगर कुछ नया आ रहा है तो ट्रेंड आ रहा है तो वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब ट्रेंड को फॉलो करना अलग होता है और जो अपनी चीज़ है वो छोड़ना अलग होता है। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या, लाइक अगर आप डांस कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इनकम नहीं आ रहा तो डांस छोड़ रहा हूँ, आप एक वे बनाओ जिससे आप कमा सको और डांस कंटिन्यू करोगे, एक पॉइंट आएगा लाइफ में जब भी आप डांस से ही कमाओगे, तो गिव अप करे कुछ मतलब नहीं, अगर आपने इतने साल घिसे हो तो फिर उसका मतलब कैसे रिडीम, हाँ उसको रिडीम करो, लाइक एक पॉइंट आएगा जब आप सब कुछ वो ले पाओगे, बट अगर आप अभी गिव अप कर रहे हो तो पता नहीं आप शायद कल जो अपॉर्चुनिटी उसको मिस कर जाओगे।